हेलो एंड वेलकम टू द ExtraClass अकाउंटेंसी। सो आज हम 11th क्लास का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। 11th क्लास कॉमर्स का बेस है। अगर यहाँ पर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो जो भी आप आगे इन फ्यूचर में करेंगे, चाहे वो CA है, चाहे वो MBA है, चाहे वो कोई भी और प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं इसी मोटिव के साथ। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। सो देखिए, अकाउंटिंग में जिस तरह से हमने जब इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किया था तो क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, पहले अल्फाबेट्स ABCD, उसी तरह से अकाउंटिंग भी क्या है, एक लैंग्वेज है। और ये लैंग्वेज एक फर्म के बारे में बताती है कि एक फर्म जो है, एक बिजनेस अगर कोई पर्सन कर रहा है तो उसकी क्या पोजीशन है, वो कितना प्रॉफिट अर्न करता है, उसके पास कितने असेट्स हैं, उसकी कितनी लाइबिलिटीज हैं, ये सारी चीज़ें। और ये असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, यही सब हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, अकाउंटिंग में ये एक आर्ट होती है और एक साइंस होती है। सो देखिए, ये आर्ट क्यों होती है, ये आर्ट इसीलिए होती है क्योंकि इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं टू फाइंड आउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। जैसे प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी तरह से हम फाइनेंशियल पोजिशन को, कि एक कंपनी आगे जा रही है या फिर उसके प्रॉफिट रुके हुए हैं या फिर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं और इसीलिए हम इसको आर्ट बोलते हैं। जबकि अकाउंटिंग को हम साइंस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंटेशंस पे बेस्ड होते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। ऑलराइट, सो अकाउंटिंग एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। सो इस साइंस और इस आर्ट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक फर्म के अंदर क्या क्या हो रहा है, कितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एज इन कि वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग के अंदर हम हमेशा सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को लेंगे जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अगर कुछ क्वालिटेटिव चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल कि कोई बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है, तो हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसको अकाउंटिंग में नहीं लिखेंगे। ऑलराइट, सो अकाउंटिंग में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक फर्म से रिलेटेड कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, देन उनको रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, किस तरह से उनको रिकॉर्ड किया जाता है, देन हर एक अकाउंट को अलग अलग से समराइज हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है और वो एक पर्टिकुलर हेड को बिलोंग करती है, सो सारी ट्रांजेक्शन उससे रिलेटेड हम उसी के नीचे लिखते हैं, तो हम इसमें समराइज करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन एक फर्म में हुई उससे फर्म का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजिशन किस तरह से है। देन फाइनली समराइज करने के बाद या फिर इंटरप्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इन रिजल्ट्स को जो उसके यूजर्स हैं कि वो किस किस के काम आने वाला है, फॉर एग्जाम्पल जो ओनर है बिजनेस का उसके काम आएगा। क्यों? क्योंकि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, किस तरह से उसको इम्प्रूव करना है, वो उसके ओनर के काम आएगा। इसी तरह से अगर कोई क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जो हमें पैसे देते हैं टू स्टार्ट अ बिजनेस, सो वो अपना पैसा रिकवर कर पाएगा या नहीं, वो भी उसको अकाउंटिंग के थ्रू ही पता चलता है। और इसी तरह से हम वेरियस यूजर्स भी स्टडी करेंगे अकाउंटिंग के अंदर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या अकाउंटिंग के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि हम इसमें क्या क्या स्टडी करते हैं। कि जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है अकाउंटिंग का, वो होता है कि सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनको हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अकाउंटिंग में हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं जिनको मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि आइडेंटिफाई हमें करना होता है सबसे पहले कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स को हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद एक बार हमें पता चल गया कि ये सारी चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, देन सेकेंड स्टेप होता है या सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना। सो नेक्स्ट इज
कि यहाँ पर हम मेजर करते हैं कि जो हमने फाइंड आउट किया था कि ये सारी चीजों को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, अब हम उनको ये देखते हैं कि उसके लिए कितना वर्थ होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे पास 10 ट्रक्स हैं, तो हमने मेजर तो कर लिया कि ये ट्रांजेक्शन को हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि उन 10 ट्रक्स की वैल्यू कितनी होगी, कि अगर एक ट्रक की वैल्यू 10 लाख है तो 10 ट्रक्स की वैल्यू 1 करोड़ होगी। तो यहां पर हम वही करते हैं, मेजर करते हैं उनको। देन नेक्स्ट इनको रिकॉर्ड किया जाता है कि एक बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको मेजर कर लिया, अब हम उनको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं कि हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं और उन अकाउंट्स के अंदर हम उन सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। देन रिकॉर्ड करने के बाद सो नेक्स्ट स्टेप इज, या फिर नेक्स्ट कैरेक्टर अगर हम बात करें अकाउंटिंग का, सो दैट इज क्लासीफाई कि जो जो सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, फॉर एग्जांपल कुछ परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं कि जहां पर हम ये देखते हैं कि हमने कितने कितने लोगों से परचेज किया है, तो हम उन सभी ट्रांजेक्शन्स को एक अकाउंट के अंदर लिखते हैं जो होगा परचेज अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर वो सारी ट्रांजेक्शन होंगी जो हमने डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से परचेज की है। इसी तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को सेल करते हैं, तो उन सिर्फ सेल्स की ट्रांजेक्शन्स को जब हम एक साथ लाते हैं और एक अकाउंट के अंदर लिखते हैं, जैसे सेल्स अकाउंट के अंदर हम लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लासिफाइंग। सो देखिए रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग के अंदर यही डिफरेंस होता है कि रिकॉर्डिंग के अंदर हम सिर्फ उनको रिकॉर्ड करते हैं कि पहले सेल हुआ, फिर परचेज हुआ, फिर कैश की पेमेंट हुई, फिर हमने कैश रिसीव किया, फिर हमने एक ट्रक खरीदा, फिर हमने रॉ मटेरियल खरीदा। हम सीरियल वाइज चलते हैं कि जैसे जैसे डे टू डे एक्टिविटीज होती जाती हैं कि पहले ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब एक तरह की जो ट्रांजेक्शन्स हैं जो एक नेचर की हैं या फिर जो एक हेड के अंदर आती हैं, हम उनको क्लासिफाई करते हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, ये 10 ट्रांजेक्शन्स हैं, ये परचेज से रिलेटेड है, तो हम इसको परचेज अकाउंट के अंदर डालते हैं। इसी तरह से सेल्स अकाउंट के अंदर डालते हैं, इसी तरह से कैश अकाउंट के अंदर डालते हैं, तो वो होता है क्लासिफाइंग। देन नेक्स्ट स्टेप इज समराइजिंग। सो समराइजिंग में हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हेड्स आ गए हैं कि सेल्स हमारी इतनी हुई टोटल, क्योंकि अभी हमने क्लासिफाई में क्या किया कि हमने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में कितनी कितनी वैल्यू का हमने ट्रांजेक्शन्स की वो सारी एक जगह पे रिकॉर्ड की, तो अब हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स का टोटल वैल्यू आ चुकी है कि ये हमने टोटल परचेज की, ये टोटल हमने सेल्स किया। तो जब हम परचेज और सेल्स को मैच करते हैं कि इतना हमने खरीदा और इतना हमने बेच दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा। तो समराइजिंग में हम प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें हम 3 अकाउंट्स बनाते हैं या फिर 3 तरह की स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट इज ट्रायल बैलेंस, सेकेंड इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन थर्ड इज बैलेंस शीट। इनके बारे में हम ऑन लेटर से स्टडी करेंगे। सो इनसे हमें एक प्रॉफिट या फिर लॉस की सिचुएशन पता चलती है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है या फिर लॉस इनकर हो रहे हैं। ऑलराइट, देन समराइजिंग के बाद हम करते हैं एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन कि अब हमारे पास प्रॉफिट या लॉस आ चुका है, फिगर्स में आ चुका है कि हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट हुआ या फिर 5,000 का लॉस हुआ। अब हम इसको एनालाइज करना शुरू करते हैं कि ये प्रॉफिट क्यों हुआ, लॉस क्यों हुआ, कि आगे हम क्या करें कि हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो सकें, लॉस कम हो सकें। सो ये हम एनालाइज करते हैं और इसको इंटरप्रेट करते हैं कि इन फ्यूचर हम ये चीज़ें करने वाले हैं। ऑलराइट, और जब फाइनली ये सब हो जाता है, देन नेक्स्ट स्टेप इज कि जो जो यूजर्स हैं एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट के, जितने भी यूजर्स हैं, हम उनको जो ये रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं वो कम्युनिकेट करते हैं। हम उनको बताते हैं कि हमारी फर्म ने इतना प्रॉफिट अर्न किया। अभी यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ओनर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, हमारे सप्लायर्स हो सकते हैं, हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं और काफ़ी सारे लोग। तो यहाँ ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो अकाउंटिंग के हमने अभी स्टडी किए। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम पे आपको प्रोसेस बता दिया कि हम अकाउंटिंग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं।
So yes, these are characteristics as well as the process of counting. ये characteristics भी हैं और साथ में process भी है. हम accounting में यही procedure follow करते हैं कि पहले हम identify करते हैं और उन transaction को measure करते हैं. So first step is identifying and measuring the transactions. Then next हम उसको record करते हैं. अब देखिए record करने के लिए हमारे पास 8 type of books होती हैं. जिसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सो ये 8 टाइप्स ऑफ बुक्स हैं, या फिर हम इनको अकाउंट भी बोल देते हैं, कैश बुक या फिर कैश अकाउंट, परचेज बुक या फिर परचेज अकाउंट, इस तरह से ये 8 टाइप्स की होती हैं. सो देखिए ये जो 7 है ये पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड है कि अगर कोई कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो कैश बुक में आएगी, परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो परचेज बुक में, इसी तरह से 7 तक. और जो इन 7 में नहीं आती है जो ट्रांजैक्शन, हम उसको सिंपली जर्नल प्रॉपर में डाल देते हैं. हम हर एक हेड के लिए अलग अलग बुक नहीं बनाते हैं. जो 7 ये हेड्स हैं इनके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन आती हैं या फिर जितनी भी इन हेड्स को बिलोंग करती हैं ट्रांजेक्शन, हम वो डालते हैं इनमें. बाकी की अगर जो कुछ बचता है तो वो हम जर्नल प्रॉपर में उसको लिखते हैं. ऑलराइट, सो ये है रिकॉर्डिंग. सो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के बाद हम करते हैं क्लासीफाई, कि जब हमने सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया तो हम उनको अलग अलग हेड्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, जिसके लिए हम बनाते हैं लेजर अकाउंट. इसको हम बाद में स्टडी करेंगे कि लेजर अकाउंट क्या होता है. इन जनरल टर्म्स अगर मैं बोलूं तो लेजर अकाउंट में हम एक पर्टिकुलर हेड की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो सारी एक साथ लिखते हैं. ऑलराइट, सो समराइज करने के लिए मैंने 3 स्टेटमेंट आपको बताई थी पहले भी, जो है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इससे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है, या फिर एक फर्म की या फिर एक बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजिशन है, वो हम करते हैं समराइजिंग में. देन हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्यों हुआ, रीजन बिहाइंड ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस, और किस तरह से हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं इन फ्यूचर, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस को किस तरह से हम कम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट हम जो रिजल्ट हमारे पास आए हैं हम उनको कम्युनिकेट करते हैं टू ऑल द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. ऑलराइट, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और स्टेप्स भी थे. अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग. सो अगर हम मेजरली बात करें तो 3 टाइप ऑफ अकाउंटिंग होती हैं. फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग. देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम जितनी भी जनरल अकाउंटिंग होती है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं रिजल्ट्स को यूजर्स को. ऑलराइट, सो वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो जो हम अभी अकाउंटिंग स्टडी करेंगे 11th क्लास में और 12th क्लास में, वो होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग. देन नेक्स्ट जो 2 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग की, वो आप 12th के बाद यानी ग्रेजुएशन में उसको स्टडी करेंगे, जो है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देखिए वैसे तो कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दोनों सेम ही होती हैं, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोर ऑफ फैक्ट्री अकाउंटिंग. इसमें हम लेबर, मशीनरी एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीजें फैक्ट्री में यूज होती हैं, उनका कितना कॉस्ट है, हम उस कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, ये सब स्टडी करते हैं. जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, देखिए जैसा कि आपको वर्ड में ही दिखेगा मैनेजमेंट, ये वो अकाउंटिंग होती है जो मैनेजमेंट यूज करती है, मतलब जो हम अपने ऑफिसेज में जो जितनी भी टेक्निक्स को यूज करते हैं प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए और कॉस्ट को कम करने के लिए, वो सारे मेथड्स फाइंड आउट करने के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को स्टडी करते हैं. देन नेक्स्ट अब आता है बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग. सो देखिए बुककीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस पढ़ने के लिए हमने जो अकाउंटिंग का प्रोसेस पढ़ा था हम उसको एक बार रिकॉल करते हैं. सो उसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था. सो ये है हमारे पास अकाउंटिंग का प्रोसेस. तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो ये तीनों चीजें हम करते हैं ये होती है बुककीपिंग, जबकि जो ये लास्ट की 3 चीजें हैं ये हम इंक्लूड करते हैं अकाउंटिंग के अंदर.
सो देखिए बेसिक डिफरेंस बुककीपिंग और अकाउंटिंग का ये होता है कि बुककीपिंग में हम सिर्फ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, या फिर एक सिंपल टर्म में बोलें तो बुककीपिंग एक बहुत स्मॉल एक छोटा प्रोसेस है जो एक जूनियर स्टाफ भी कर सकता है बहुत इजीली, क्योंकि देखिए इसमें मेजरमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को हम मेजर करें, उनको आइडेंटिफाई करें, देन उनको रिकॉर्ड करें। पहले तो डे टू डे ट्रांजेक्शन जितनी भी होती हैं सबको एक साथ रिकॉर्ड कर दें, और फिर उसके बाद क्लासीफाई कर दें कि जो सेम हेड्स की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह पे लिखें। सो ये एक बहुत छोटा सा काम होता है, इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग में मेन काम शुरू होता है समराइज करना, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं कि कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। देखिए एनालिसिस करना किसी चीज़ का कि प्रॉफिट क्यों हुआ, कैसे उसको इंक्रीज करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह से हम पॉलिसी बनाएंगे, वो सारी चीज़ें आती हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के अंदर, और वो एक जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता है। उसके बाद कम्युनिकेशन, सबको बताना, जितने भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के उनको कम्युनिकेट करना कि किस तरह से हमारे प्रॉफिट्स हुए हैं, लॉसेस हुए हैं, प्रॉफिट को हम अगले साल कैसे इंक्रीज करेंगे एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर हमने बात की बुककीपिंग में हमने किया कि एक छोटा प्रोसेस है जबकि अकाउंटिंग एक बड़ा प्रोसेस है। सो अकाउंटिंग के अंदर वैसे हम ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, लेकिन जनरल टर्म्स में अगर हम बात करें तो जहाँ पर बुककीपिंग ख़त्म होती है वहाँ पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुककीपिंग ये एक रूटीन टास्क है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग में मैंने बात की कि हम यहाँ पे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी सेल्स हुई कितनी परचेज हुई, वो रोज होंगी, ऑलराइट। सो ये सारी होती हैं हमारी रूटीन नेचर की सारी ट्रांजेक्शन्स, जबकि अकाउंटिंग में हम ये एक एंड में करते हैं, हम पूरे महीने का या फिर पूरे साल में जितना भी हमने ट्रांजेक्शन किया उससे हमारा क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ वो फाइंड आउट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और उसको कम्युनिकेट करते हैं। सो ये एक एंड में करने वाला टास्क है, जबकि ये एक डे टू डे या फिर रूटीन में किया जाने वाला काम होता है। अरे इसके बाद अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्ट होता है। अकाउंटिंग इज अ बिग कंसेप्ट, If this is accounting, then only this is bookkeeping. Alright, ये एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग का। So this is accounting and this is bookkeeping. Alright, और क्योंकि अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा काम होता है इसीलिए अकाउंटिंग को करने के लिए स्पेशल स्किल्स चाहिए होती हैं, एक स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, जबकि बुककीपिंग को हम बिना स्किल्स के भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मली रिकॉर्ड करना है कि कितने सेल्स हुए कितने परचेज हुए तो वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए होते हैं। सो यही होता है बुककीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। सो आज हमने अकाउंटिंग का मीनिंग स्टडी किया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस को स्टडी किया, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।